Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you a list of idioms and phrases asked in various competitive examinations conducted by the APT, SSC and other boards. टॉपिक पे चलने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Friends, please watch the video till the end in order to gain something substantial. First idiom देखें, to add fuel to the fire. Fire means anger, idiomatically. Fuel means provocation. Add means to accord, जोड़ना, यानी आग में घी डालना अर्थात किसी के गुस्से को भड़का देना. To excite the fury. Number two, to back the wrong horse. Here horse stands for a person and back means to help or to support. Hence the meaning is to help the wrong person, किसी गलत व्यक्ति की मदद कर देना. Number three, to bark at the moon. Moon, चांद, यानी persons in high places. Bark at मतलब बिना मतलब के भौंकना, बिना मतलब के उस व्यक्ति पर चिल्लाना, उस पर अटैक करना, उसकी आलोचना करना. Hence the meaning is to rail uselessly at men in high places. Number four, to bark up the wrong tree. गलत वृक्ष को छीलना, यानी इस तरह से आप अपना अटैक जो कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं सही दिशा में नहीं कर रहे हैं. Hence the meaning is to direct one's attack, efforts or criticism in the wrong quarter. नंबर फाइव, टू बास्क इन द सन साइन ऑफ. धूप में स्नान करना, किसी के धूप में स्नान करना. यहां सन साइन का मतलब आ रहा है किसी के गुड ग्रेसेस, किसी के फेवर, यानी टू एंजॉय द फेवर और गुड ग्रेसेस ऑफ समवन. किसी के पक्ष, किसी के कृपा, किसी के अच्छे संगत का मजा लेना. नंबर सिक्स, टू बियर ए चार्म्ड लाइफ. एक तिलस्मी जादुई जीवन जीना, अर्थात वो व्यक्ति श्योर है कि उसका नुकसान कोई नहीं करेगा, उसे हानि कोई नहीं पहुंचाएगा. तो इसका मीनिंग हुआ टू बी ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली फॉर्चुनेट और इनवल्नरेबल, अर्थात वो अविश्वसनीय तरीके से भाग्यशाली है या बिल्कुल अछून्न है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. नंबर सेवन, टू बियर द ब्रंट ऑफ. ब्रंट का मतलब शॉक, डिस्मे, सदमा, दुख. जैसे किसी को कोई घाटा लगा और उसे इसको झेलना पड़ा, अर्थात इट मीन्स टू एंड्योर द शॉक ऑफ. नंबर एट, टू बियर द पाम. टू बियर द पाम, जब भी आप जीतते हैं, जब भी सफल होते हैं तो आप इस तरह से हाथ उठाते हैं, अर्थात इट मीन्स टू एंड्योर, सॉरी, टू विन और हैव सक्सेस, जीत लेना या सफल हो जाना. नंबर नाइन इज टू बीट अबाउट द बुश. घुमा फिरा के बात करना, टू टॉक और टू स्पीक इन सर्कमलोकेशन. हेंस द मीनिंग इज टू अप्रोच ए मैटर इन ए राउंड अबाउट वे. नंबर टेन, टू बेग द क्वेश्चन. क्वेश्चन जो चर्चा है उसके बेग करना, अर्थात उसके बारे में अनुमान कर लेना, उस मैटर में, उस बात में क्या रहस्य है, क्या राज है, सच्चाई है, उसको पकड़ने की चेष्टा करना. अर्थात द मीनिंग इज टू एस्यूम द ट्रुथ ऑफ द मैटर इन क्वेश्चन. लेट अस कम टू इडियम नंबर 11, टू बेगर डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन वर्णन, बेगर भीख मांगना, यानी वर्णन करने के लिए शब्दों की कमी महसूस करना, यानी सामने वाला व्यक्ति या वो चीज़ इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि दैट मेक्स द डिस्क्रिप्शन इम्पॉसिबल. द मीनिंग इज दस, टू बी सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज टू मेक डिस्क्रिप्शन इम्पॉसिबल. उसका या उस चीज का क्या कहना. नंबर 12, टू बेल द कैट. बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अर्थात बहुत बड़ा रिस्क लेना, बहुत बड़ा जोखिम उठाना. हेंस द मीनिंग टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क. नंबर 13, टू बी इन द ड्राइविंग सीट. जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो पूरी गाड़ी आपके कंट्रोल में होती है, यानी एक ऐसी अवस्था जो आपके हाथ में है, आपके नियंत्रण में है. Hence the meaning, friends, to be in control. Now come to number 14, to be taken for a ride. किसी को सब जवाब दिखलाना कि चलो तुमको वहाँ ले जाएंगे और इस तरह से अपना उल्लू सीधा कर लेना, उसे ठग लेना. Hence the meaning is to be cheated or deceived, धोखा खा लेना, धोखे का शिकार हो जाना. नंबर 15, टू बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, किसी को ठंड में बाहर छोड़ देना, अर्थात उसे इग्नोर करना, उसे नेग्लेक्ट करना, उसकी उपेक्षा करना. सो द मीनिंग इज टू बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड. नंबर 16, टू बाइड वंस टाइम. बाइड मीन्स टू रिमेन और स्टे समवेयर, कहीं पर स्थिर टिक जाना, रह जाना. वंस टाइम यानी अपनी बारी या अपने समय के आने का इंतजार करना, अधीर नहीं होना. टू बी पेशेंट. हेंस द मीनिंग टू वेट फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छे अवसर पाने का इंतजार करना. नंबर 17, टू बाइट द डस्ट. डस्ट धूल, बाइट मीन्स काटना, अर्थात किसी चीज का शिकार हो जाना. टू सफर डिफीट, धूल चाटना, धूल चटा देना, अर्थात हरा देना, उसे ह्यूमिलिएशन का शिकार बना देना. हेंस माय फ्रेंड्स, द मीनिंग इज टू सफर डिफीट और ह्यूमिलिएशन. नंबर 18, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू. इतना ज्यादा काट लेना, जैसे चॉकलेट है, जैसे रोटी है, कि आप उसे चबा नहीं सकते, आपको खाने में दिक्कत होगी. जैसे बच्चे लंच टाइम में, लंच ब्रेक में सोचते हैं कि जल्दी जल्दी वो लंच कर लें और खेलने का समय निकाल लें. तो इस तरह से जैसे मंकीज भी ऐसा करते हैं. टू अटेम्प्ट टू मच, अर्थात जरूरत से ज़्यादा कोशिश करना. टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू अटेम्प्ट टू मच, जरूरत से ज़्यादा कोशिश करना. नंबर 19, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड. कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा, अर्थात अस्थिर होना, इस तरह से मीनिंग निकालेंगे माय फ्रेंड्स. टू बी इनकंसिस्टेंट एंड अनरिलायबल, अस्थिर होना और भरोसे के लायक नहीं होना. नंबर 20, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. अपनी डफली, ट्रम्पेट एक तरह का तुरही, सिंघा बाजा होता है, अपनी डफली आप बजाना इसे हिंदी में कहते हैं, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने बारे में बहुत सोचना, बहुत बोलना. हेंस द मीनिंग इज टू स्पीक हाईली ऑफ वन सेल्फ. इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, दिए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस के हर शब्द को ध्यान से आप पढ़ें, उसके लिटरल मीनिंग्स को पजल आउट करें और उन पजल आउट मीनिंग्स के आधार पर दिए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस के अर्थ को निकालें और राइट ऑप्शन को क्लिक करें. ये ना सोचें कि ये रटना पड़ेगा, ये हमें रट कर याद करना पड़ेगा. द इजीएस्ट वे इज टू हैव ए गुड वर्ड पावर इन योर माइंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड पावर you have to develop the habit of puzzling out the meanings of the words in the idioms, and on the basis of that puzzled out meaning you have to pick the right option. Best of luck. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. Thank you for watching my video.